बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरा दोस्त है अली, और मैं और जैन बास आए हैं अपने दोस्त से मिलने। ये हमारा क्लास वाला भी था अली, और इसका दूसरा भाई उमर, और हमारे दोस्त हैं। आज हम इनसे मिलने आए हैं। इनकी ये वहेली है, आपको उनकी सैर कराएँगे। पैट्स हैं और इन्हें काफ़ी शौक़ है। ये इसकी वहेली है, और आज हम आपको सैर करवाएँगे वहेली की। और ये थोड़ा सा अपने बारे में बता दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, ये बटेरे हैं, और ये नीचे एक तोता है, एक तोती है, ये ऊपर बटेरे हैं। और अली, ये बटेरे आप कहाँ से लेके आए थे, बताएं जरा। ये इंडिया से लाए हैं, और इनमें से एक बटेरा और तीन बटेरियां हैं, और वो नीचे दो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, एक एक पेड़ है, एक तोता और एक तोती है। ये आप खुद शिकार करके लेके आए थे? जी मेरे अब्बू गए थे, वो 50 लाए थे। वो अच्छा, देसी हैं सारे ही है ना, फार्म वाले नहीं है, बिल्कुल सारे देसी ओरिजिनल है, शिकार किए हैं अपन का। ये बटेरे हैं? जी बिल्कुल, एक बटेरा तीन बटेरियां इनमें से। अच्छा, अभी इनका ना जगह सेटअप नहीं बना, फिर ये अंडे उतारेंगे। अच्छा। अभी एक दफा आरजी तौर पर रखे हैं, अभी सेटअप नहीं इनका बनाया पर ना मुकम्मल, इनको सेपरेट करके रखना है। ठीक हो गया। और नीचे ये स्ट्रीलिन तोते हैं? हाँ, ये एक पेयर है इनके साथ, पहले एक और भी तोती थी वो मर गई है, अब ये एक ही जोड़ा रह गया। ये डरते हैं जब करीब आए इंसान, ये डर जाते हैं बटेरे, क्योंकि ये शिकारी है ना, दूसरे फार्म वाले नहीं डरते इंसानों से, ये डर जाते हैं। अच्छा, और जैन जोन सा मेरा दोस्त है, इसने अपने घर में काफी ज्यादा तोते रखे हैं। आपने देखे हैं ये पीछे, इसने काफी खूबसूरत सा ये खुडा है। और अली आ जाएं, आपको चूजे दिखाते हैं, चूजे भी रखे हैं इधर। आप तो वो कौन से चूजे हैं? ये प्योर सील है, मियां वाली के चूजे हैं, एक मुर्गी है और 11 बच्चियां उसके। अच्छा, और क्या है इनका मुर्गा सेपरेट किया है इनसे, ये 11 हैं, बिल्कुल सारी हेल्दी हैं। हम अपने अली भाई से पूछेंगे कि एक देसी मुर्गी होती हैं और एक सील होती हैं, मुर्गे भी एक देसी होते हैं और सील होते हैं। जो उनसे सील मुर्गे होते हैं वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो उनसे देसी होती हैं वो देसी होते हैं वो अंडों के लिए और लड़ाई के लिए होते हैं, चलाने के लिए होते हैं। जो उनसे देसी होते हैं इनसे बंदा अंडे ले सकता है ज्यादा से। अच्छा, और जो उनसे सील मुर्गे होते हैं वो सिर्फ बच्चे आगे नस्ल बनाने के लिए होते हैं, वो लड़ाई के लिए होते हैं। लड़ाई भी करा सकते हैं आप, उनके बच्चे निकलवा सकते हैं, लेकिन देसी ज्यादातर बस लोग अंडे निकलवाते हैं और खाते हैं खुद सर्दियों के लिए वगैरह ना, देसी अंडे। और अब हम आपको बताएंगे कि देखने में एक जैसे ही होते हैं, इनमें क्या फर्क है, कैसे देख कर पता चलता है कि मुर्गी कौन सी देसी है और कौन सी सील है। ये चूजे हैं? हाँ, ये सारे सील हैं, ये प्योर सील है, मियां वाली की नस्ल है। ये सारे लड़ाई वाले जो से? सारे लड़ाई वाले चंडूर नस्ल के हैं। ये इधर आपने एक नया? हाँ, ये मैंने बटेरों का नया सेटअप करना है ना, इधर भी बनाना है, इधर बटेरे रखने हैं। हाँ, इधर बटेरे रखने। ये मुझे लगता है आज ही नया लेके आए हैं। आज बिल्कुल नया तैयार करवाया। अच्छा, ये कितनी देर के हो गए हैं चूजे, और कितनी देर हो गई इन्हें निकलवाया? ये दो दो वीक के हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, और एक मंथ और के बाद इसको मुर्गी से सेपरेट कर देना। ये इनमें से मुर्गे कितने और मुर्गी कितनी हैं? जिनके पीछे थोड़ी सी पूछल है ना वो मुर्गियां हैं ना, और बाकी चार को मुर्गियां हैं, बाकी मुर्गियां सारी चार मुर्गे हैं। हाँ। अच्छा, ये देखे ना, ये पीछे वाले की मुर्गी है, सब ये सबसे पीछे वाला जो है ना, ये मुर्गी है। अच्छा, इसकी पूछल है ना, ये सील मुर्गी है, ये सील मुर्गी है। इसे काफी शौक है, ये देख सकते हैं इस साइड पर इसने ये रखे हैं बटेरे, तोते, सील, मुर्गे, मुर्गियां, देसी भी हैं, अंडे वाली, ये भी अंडे वाली हैं, ये देसी हैं। हाँ, और वो भी हैं पीछे भी। आप देख सकते हैं ये सील मुर्गी है, और इसके सर पर ये जो सा ताज सा होता है, ताज इसे कहते हाँ, हैं, ये नहीं है, और ये देखने में भी आपको ना स्मार्ट सी होती है, हेल्दी होती है, लेकिन ये फिटनेस में फुल होती है, इसके सर पर ये ताज नहीं है। और जोन सी इधर आपको दिखाते हैं, जोन सी देसी मुर्गी हैं उनके सिर पर ताज होता है, ये आप देख सकते हैं ये, और ये थोड़ी सी ऐसे फलाओं में ज़्यादा होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इनके सिर पर ताज है। जितनी भी मुर्गियां आप देख रहे हैं ये सारी देसी हैं, और ये मुर्गा भी देसी है। सील मुर्गा नहीं रखा हुआ आपने? सील मुर्गा अंदर है, वो भी आओ आपको दिखाते हैं। वो ये देख रहे हैं, ये देसी मुर्गा, ये देसी है, आपस में फाइट बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। एक दफा इसको पहले भी चोट लग गई थी, क्योंकि सील जो है वो लड़ने वाला मुर्गा है।
इधर आओ आपको सील मुर्गा दिखाते हैं, चंडूर नस्ल है ये सील के सर आप देख रहे हैं ताज बिल्कुल छोटा सा है और जो उनसा देसी है उसके सिर पर काफी बड़ा ताज है। ये खुड्डा इसने बनाया हुआ है, ये थोड़ा बड़ा है, ये इधर देख रहे हैं और ये बाहर भी एक वो खुड्डा है, एक इस तरफ आपको दिखाया था। और ये जो उनसा देसी आप देख रहे हैं इसके सर पर काफी बड़ा ताज है, ये इनका फर्क होता है। और भी कोई देखने में इनमें फर्क होता है? नहीं और कोई नहीं होता, एक इनका एक थोड़ा सा हाइट थोड़ी छोटी होती है, सील की हाइट ज्यादा होती है, ये थोड़ा फलाओं में ज्यादा होता है, वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है, स्मार्ट होता है और हाइट में ज्यादा होता है, ऊंचा होता है। आपने देखे हैं ये इसको शौक है, इधर इसने काफी मेहनत की है, इधर रखता है, एक ये है खुड्डा एक उस तरफ है, ये टोटल 15 मुर्गियां, एक मुर्गा इधर वो अंदर भी है। हाँ बहुत ही मुश्किल काम है, ये देख रहे हैं जैन ये बहुत कोशिश कर रहा है पकड़ने की, ये अली ने मुर्गी एक पकड़ ली है, पकड़ लिया मैंने अपना इनाम ले लिया। हाँ। और ये इधर से जैन बाहर से मुर्गा पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको दिखाते हैं ये देख रहे हैं ये देखें इसकी ये सील का सील की बिल्कुल नहीं छोटी सी होती है, और ये देखे फर्क, ये जैन बाहर से मिसिंग हो रही है, जैन बाद से बहुत ही मुश्किल है। मुर्गी का वजन तकरीबन 2.5 किलो है, ये वजन में भी ज्यादा होती है, वजन में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अंडे इतने बहुत ज्यादा सर्दियां इनसे इजी गुजर जाती हैं। दो मुर्गियां और तकरीबन हर घर में अंडे देसी आ जाते हैं ना, देसी अंडे बहुत ताकत वाले होते हैं, ये उनसे सर्दियों में बहुत जरूरत होती है उनकी, क्योंकि ये जो उनसे फार्मी होते हैं इनमें ताकत बिल्कुल कम होती है। और ये देख रहे हैं वो अली पकड़ने लगा था, ये फिर इधर से निकल गई है, फार्मी जोन से अंडे हैं वो जोन से ताकत वाले नहीं होते, लेकिन ये जोन से देसी हैं ये बहुत अच्छी होती है। ओ जैन पीछे काफ़ी कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक नहीं पकड़ी, और अली ने पकड़ी है अपनी मुर्गी, और जोन से देसी होते हैं ये इसकी खाने के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, और जैन ने मुर्गा पकड़ लिया है बहुत मुश्किल के साथ, देख रहे ले आया, ये देसी मुर्गा है, दिखाओ मुर्गा दिखाओ, ये देखें इसकी, ये देख रहे हैं इसका काफी बड़ा सर पर ताज है, ये जोन सा दे होता है सील उसका बिल्कुल छोटा सा होता है, जोन से फार्मी मुगर मुर्गी कुछ नहीं। हमने आपको अली ने मुर्गी पकड़ी थी ये देख सकते हैं, और जैन ने ये मुर्गा पकड़ा है, और अली अब ये से छोड़ने लगा है, और इसका बजाब कर देते हैं, अब तंग हो रही है, इसे अली को काफ़ी शौक है रखने का, पहले एक दफ़ा मैं इसकी हवेली में आया था तो इसने मोर और मोरनियाँ रखी थी। हाँ। वो उसके बारे में बताएं, वो क्या एक मर गई थी मोरनी, फिर मैंने मोर जो उनसे अपने मामू को दे दिया था, एक ही मोरनी। हाँ, थी एक ही मोर था ना, मोरनी के पहले बच्चे पापा के दोस्त ले गए थे, और मोर और मोरनी रह गई थी, मोरनी हमारी मर गई थी, फिर जिस वजह से मैंने मोर अपने मामू को दे दिया। वो पहले मैं एक दफ़ा आया था और इधर इसने हवेली में रखे थे मोर और मोरनी है। हाँ, फिर उसके बाद फिर इसने इसे मुर्गे और मुर्गियाँ रखनी शुरू कर दी, तोते भी अब रखे हैं, बटेरे भी रखे हैं, बटेरे ये देसी बटेरे हैं ना, प्योर देसी बटेरे हैं, शिकार वाले हैं, बाकी फार्मी होते हैं उनके खाने का कोई, जो उनसे दूसरे बटेरे होते हैं वो लोग फार्म में तैयार करते हैं, वो ज्यादा उनके मतलब जैसे फार्मी मुर्गियां होती हैं उनका खाने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ बीमारी होती है, उनके अंडे भी नहीं खाने चाहिए और ना फार्मी गोश्त खाना चाहिए, देसी का अंडे का भी बहुत फायदा, और जखनी के लिए इस्तेमाल बीमारों के लिए देसी मुर्गा बहुत मुफीद है, इसलिए ये मुर्गा इसने रखे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और तोते जैन बास ने भी घर में बहुत ज़्यादा तोते रखे हैं, आपको वो भी दिखाएंगे, और मुझे भी ये शौक पड़ रहा है, मेरा दिल कर रहा है इस तरह का एक खुड्डा लाऊं और उसमें तोते भी रखूं, और जब अली के ये जो उनसे मुर्गाब हैं इनके जब अंडे होंगे बच्चे होंगे तो फिर इसे बच्चे लेंगे और वो भी मैं रखूँगा, और वो आगे वाले चंद व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, मैं जाऊँगा लेने वो खुड्डा और मैं फैसलाबाद जाऊंगा, उधर से मिलेगा। ये कहाँ से लिया था आपने? जोन मैंने चक जुमरा से लिया था, ये जोन सी हमारी तहसील है चक जुमरा अली ने उधर से लिया, मैं भी लेके आऊंगा, और फिर मुझे भी शौक है ये रखने का, आप पीछे देख रहे हैं वो खुड्डा पड़ा है तोते रखने का, और आज हम इधर आए थे आपको कहा कि क्यों ना इन सब चीज़ों की सैर करवाएं, क्योंकि ये बहुत ही नायाब चीज़ें हैं देसी, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अली के बारे में कमेंट करके बताएं कि ये काफ़ी मोटा सेहतमंद देख रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि इसने देसी मुर्गियां और मुर्गियां रखी हैं जिनसे ये अंडे भी खाता है और गोश्त भी उनका खाता रहता है। अली कितने दिन में अंडे खाते हो? दो दो अंडे देसी रोज खाता है और मुर्गियां भी खाते हैं उनके गोश्त हफ्ते वगैरह। हफ्ते 2 हफ्ते बाद। 1-2 हफ्ते बाद एक मुर्गी और एक मुर्गा जाता है अली के पेट में, देख रहे हैं काफ़ी माशाल्लाह से हेल्दी है। और इसका जो सा बड़ा भाई है उमर, वो भी हमारा क्लास फेलो ही था, वही एक दोनों दोनों एक क्लास में ही पढ़ते हैं। वो आए हैं, सारी मुर्गियां भी इकट्ठी हुई हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं इधर, ये सारी इसकी मुर्गियां हैं। अली ये टोटल कितनी मुर्गियां हैं? तकरीबन 15 मुर्गियां और 2 मुर्गे हैं, तीन मुर्गियां हैं, एक सील मुर्गा और 2 देसी मुर्गियां। 15 मुर्गियां ये हैं और एक सील मुर्गी वो 16वीं है और उसके 11 बच्चे हैं। अच्छा, और दो तोते हैं, एक तोता एक तोती है, और एक बटेरा और 3 बटेरियां। एक बटेरा और 3 बटेरियां। ये खुडा इसने नया बनाया है, इसमें बटेरे रखेगा ना? हाँ बिल्कुल, और चूजे भी आप इसमें शिफ्ट कर देंगे, छोटे जो इनसे चूजे हैं। नीचे वाले तय में छोटे चूजे और ऊपर बटेरे। ये अभी अभी नया बनाया है, देख रहे हैं काफी अच्छा बनवाया है। ये इसके साइडों पर सारी जाली लगाई है और आगे से ये दरवाजा है, काले अभी कलर करवाया है। ये बहुत मजबूत है और बहुत ही अच्छा है, वो तो इसने जोन सा बनवाया हुआ है वो वैसे ही ईंटों से बनाया हुआ है। और ये जोन सा ये मुझे प्यारा लगा क्योंकि ये छोटा सा घर में रखने के लिए ये अच्छा है, और इसमें 3 फ्लोर हैं। इस तरह का कोशिश करेंगे कि जब मैं लाया तो लाऊंगा। ये इनकी वहली थी। अब आपको बिल्कुल प्योर सील मुर्गा है, ये आप देख सकते हैं इसकी ये ताज बिल्कुल छोटा सा है। और ये बहुत ही नायाब होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं ये, तकरीबन ये इतना महंगा नहीं। इसमें सील कितने कितने महंगे, सील तो लाख लाख का मुर्गा भी होता लाख है, लाख का भी होता है, 50,000 का, 2-2 लाख के भी होते हैं, बहुत बनने यार बहुत महंगे होते हैं। लेकिन ये तकरीबन 5-5 हज़ार का होगा, और आम देसी जोन सा है वो अगर इतना हो तो वो तो 1,000 रुपये का। हाँ तकरीबन होगा, तकरीबन 1,000 रुपये। और ये तकरीबन 5,000 का होगा, ये सील है। और इसमें इसके बच्चे भी निकवाले हैं, रेड कलर के हैं इसके, ये मारता भी है ना, दिखाएं सारा इसके। ये कील देखें इसके, इतने बड़े कील। ये देखें इनको शीशे के आगे करें तब भी लड़ने लग जाते हैं ये मुर्गी जैसे, मजाक नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं, अगर इन्हें देसी के साथ छोड़ा जाए तो ये देसी को या 2 मिनट में मार देता है। और इसकी नस्ल चंडूर है, ये चंडूर नस्ल का मियां मालिक का, बहुत ही जालिम किस्म का, इसे पकड़े हैं तो मैं अगर इसके पास जाऊं तो ये मुझे भी मारेगा। ये देखें इसके मैंने पास लेके जाना, मारता भी है। देखिए हमारा मुर्गा बैठा हुआ है, इसका नाम माइटी राजू है। ये देखें ये डेली ऐसे मस्तियां करता है ड्रामे जैसे। ये देखें ऐसे बैठा हुआ है, इसकी टांगे पीछे हैं लेकिन देखें कैसे सारे ऐसे बैठा हुआ है, पता नहीं इसको क्या होता है। आके इधर जाके डेली इस टाइम ना इधर आके बैठ जाता है। इसे जब हम थोड़ा सा लाएंगे ये हिल में, ये देखिए वो गया, वो गया। इसने अब देसी मुर्गे को जाके देखे मारना है इसने। ये अभी इसने जब इसने देसी मुर्गा देखना है, इसने फाइटिंग शुरू कर देनी है। देखें वो देसी ने इसे देख लिया, अब इनकी लड़ाई भी हो सकती है मुमकिन है। ये सील मुर्गा मारा गया है, अब इसने जाके ना देसी से फाइटिंग करनी है। अब इसने देख लिया, वो देखें वो भाग के आ भी गया। ये देखें देसी ये अंदर गया और वो मार आ गया। और हम इधर काफी देर से बैठे थे, अब इन मुर्गियों को दाने डालेगा अली, और इन्हें पिंजरे में बंद करके फिर हम घर जाएंगे। ये देख रहे हैं ये अली दाने डालने गया है। ये अली अब इन्हें दाने डालने लगा है, ये सारी मुर्गियाँ। ये इधर इन्होंने ये डेगे अली इधर क्यों रखी हैं? डेगे सात वाले जोन से उनकी शादी थी, ये इधर डेगे रख गए हैं इसलिए ये इधर। ये सात वालों ने ये कुत्ती रखी हुई है, इसका नाम क्या है? जानबाज पिंकी। इसे बाहर निकालो यार, चलो चलो इधर चलो चलो। दाने डाल दिए हैं,
दाने इसके अंदर डाल दिए हैं, ये देख रहे हैं आप दोनों। और रात को क्योंकि अब ये खाएंगे इधर, अब पानी भरने लगे हो बाबा, हम इधर से जाएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। अभी मैंने दूध भी लाना है और नहर से पानी भी लाना है, नहर से हाँ पानी नहर से लेके आना है। फिर आ गया भाग गई है साथ वालों की, है इधर आ जाती है अक्सर। अली ये पानी ये कितना है, लीटर है क्या, 2 लीटर है, ये कितने दिनों में खत्म हो जाता है, एक दिन 24 घंटे, 24 घंटे में ये 2 लीटर पानी पी जाते हैं सारे। और ये छोटे बच्चे हैं जो उनसे, ये मुर्गी ये भी इसके अंदर ही बंद कर देते हो, देख रहे हैं अभी अभी पानी डाला है, वो काफी प्यासे थे सारे, ये सील मुर्गी है और उसके बच्चे हैं सारे पानी पीने आए हैं इधर। इनको दिन में एक तरफ पानी बस देते हैं, अभी छोटे हैं ना सर्दी की वजह से एक टाइम बस पानी देते हैं। अब मौसम क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया ना इसलिए 24 घंटे में ने एक दफा, और जो उनसे दूसरे हैं उनके पास एट अ टाइम रहता है पानी, क्योंकि वो बड़े हैं समझदार हैं, ये पागल पानी पीते ही रहते हैं, फिर पानी ज्यादा पीने की वजह से फिर ये मर भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सर्दी लग जाती है उनको। अब जितनी देर इनके सामने पानी रखना है पीते रहना, रुकना ही नहीं है, अगर ज्यादा पानी पी लें तो फिर ये इनके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब अली इनके लिए इन्हें कौन सी खुराक डालनी है वो भी डाले, मैंने अलग फीड बनाई है इनके लिए। कौन सी फीड है, देसी फीड है और इसके अंदर 50 का दलिया और बाजरा मिक्स करके इनके लिए देसी फीड बनाई है, बाजरा और दलिया और 2 किलो देसी फीड 14 नंबर की। हाँ ये बटेरे और तोते और तोती के लिए है, इन्हें पानी भी डालना, अभी वो उधर बंद कर रहा है, अभी इनसे पानी उठा लिया, जान अंदर पानी रखा है, अभी ये सारे मुर्गे अंदर बंद करेंगे और फिर जाएंगे। ये तोते और तोती के लिए कर लिया, रैन इसमें पानी लाओ, तुम रैन इसमें पानी लाओ, ले इसमें पानी लेके आओ, और भाई ये खुराक डालने लगे अली, ये तोते और तोती के लिए है, ये खुराक है स्पेशल इनकी फीड है, इससे बहुत हेल्दी रहते हैं, इनके प्रोटीन पूरे होते हैं। ये 50 रुपये का दलिया और इसमें देसी फीड 14 नंबर की और बाजरा है, बाजरे की इसी तरह सफाई करके और डालने सब कुछ। अच्छा ये आपने सारे अपने तजर्बे से ये बनाया है, कितनी काफ़ी देर से रखे हैं इसका ये तजर्बे, आप भी इसे आजमाएं, माशाल्लाह से इससे जल्दी हेल्दी होंगे। और डेली इनको पानी ना धो के देना, अंदर बीमारी रह जाती है गंदगी की वजह से ना, फिर बीमार हो जाते हैं। उनके रोज़ बर्तन धोएं और रोज़ इन्हें नया पानी और दें और नई खुराक दें, पहले बारी निकाल दें फेंक दें, पानी भी ज़ाया कर दें धोकर, क्योंकि इससे ये बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। वो देखिए उसको भूख लगी है, वो खा रहा है। ये अभी अभी इन्होंने खाना शुरू किया क्योंकि ये देसी थे ना शिकार वाले, इनको अभी कोई खाना पसंद ही नहीं था आ रहा, लेकिन अब इनको ये खाना पसंद आ गया और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये बटेरे हैं, हाँ ये बटेरे हैं, इन्होंने अब खाना शुरू कर दिया, ये देखिए अब ये पहले बाहर थे ना, मतलब शिकार किया है, कीड़े मकोड़े खाते थे, कीड़े मकोड़े तब पहले इन्हें खाना ही नहीं था पसंद आ रहा, अब इन्हें खाना पसंद आ गया, ये देखें कितने शौक से खा रहा है, इसे भूख लगी है ना। और वो नीचे वो भी पानी पी रहे हैं, ये एक ही पेयर है, पहले एक और था वो मर गया, लेकिन अभी ये एक ही पेयर है, लेकिन बहुत हेल्दी है, और बच्चे भी इन्होंने अंडे भी निकाले हुए हैं, वो दिखा नहीं सकते जिससे वो खराब हो जाएंगे। ये अब खा रहे हैं ऊपर बटेरे भी खा रहे हैं, और अब मुर्गियां बंद करें फिर चलते हैं, काफी देर हो गई है, वो भी खाना शुरू कर दी है ना, मुर्गियां भी अपनी उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया, मुर्गियां जो से मुर्गियों को दाने डाले थे उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया, वो भी अब खा रहे हैं क्योंकि ये इनका खाने का टाइम है, इन्हें भूख लगी थी सब, हां वो देखिए उन्होंने भी शुरू कर दिया खाना अपना, वो सारे खा रहे हैं मुर्गे मुर्गियां सब, क्योंकि इन्हें जब पहली दफा आया हर चीज को उल्टी जगह पर रख लिया, इनके लिए पानी की ये जगह बनाई है इसने, वो भी उल्टा रखा है,
तोतों को भी इसने गर्म जगह पर रखा है। इसका ये रखे हैं कि क्योंकि सर्दी के पानी जितना नीचे गिरेगा इनको सर्दी बनेगी और बीमार हो जाएंगे। ईटों पर रखे हैं कि पानी नीचे ना गिरे। मुर्गे और मुर्गियां बटेरे तोते सबको बंद कर दिया है अली, सबको ताला वगैरह लगा दिए हैं। ये पीछे भी इसे भी ताला लगा दिया, इधर ये भी और उधर भी, सब ओके हो गया। अब हम जाने लगे हैं।